क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 मैच होने वाली है और इसके लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। जी हां, मैच शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां मैच की टिकट पेटीएम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ही बुक हो रही है। वैसे बता दें कि गुवाहाटी के स्टेडियम में 200 गार्ड्स लगने वाले हैं, तो वहीं रायपुर के स्टेडियम में 1300 गार्ड्स लगने पड़ेंगे। लॉजिस्टिक सिक्योरिटी बहुत सी चीजें हैं जिनमें यहां खर्च अधिक होता है। बड़े शहरों में होने वाले मैच के टिकट्स की तुलना में रायपुर में तय किए गए दाम कम ही हैं। और इसी बीच अगर बात करें कि बाकी के शहरों में क्या है इसके दाम, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है। इसके आगामी मैच तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी जैसे शहरों में भी है। ये टिकट भी ऑनलाइन मिल रहे हैं। बुक माई शो को जांचा गया तो पता चला कि 28 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाले मैच के टिकट के दाम 500 रुपए से शुरू हो रहे हैं, तो वहीं तिरुवनंतपुरम में मैच देखने के लिए कम से कम 750 रुपए देने होंगे। वैसे बता दें कि छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर या भारत के किसी भी शहर से ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद रायपुर आकर काउंटर से ही टिकट की हार्ड कॉपी लेनी जरूरी होगा। क्रिकेट फैंस के लिए रायपुर के इंडोर स्टेडियम में इसके लिए 6 काउंटर भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें डिजिटल पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट या डिजिटल पेमेंट रिसिप्ट को इस काउंटर पर ही दिखाना होगा। तो वहीं क्रिकेटर फैन के लिए एक बुरी खबर ये भी है, जो कि हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो वो क्या है, इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो फौरन CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आप तक पहुंचे। तो क्रिकेटर के फैन के लिए बुरी खबर ये है कि रायपुर में होने जा रहे मैच में बड़े स्टार क्रिकेटर नहीं दिखेंगे। जी हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं आने वाले हैं। BCCI ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा की है, उसमें से भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। ये रहा क्रिकेट फैन के लिए एक नया अपडेट, जो कि हमने आप तक पहुंचा दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं ऐसी और अन्य जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।